नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हमारी पहली खबर किसान आंदोलन से। समिति बनाने के प्रस्ताव से सहमत नहीं है किसान संगठन, वरिष्ठ वकीलों से विचार विमर्श। पूर्वी और उत्तरी निगम अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों का बकाया वेतन 2 हफ्तों में जारी करे, कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का। कोविड-19 सरकार की वैक्सीन नीति पर डॉक्टर सत्यजीत रथ के साथ चर्चा। हमारी चौथी और आखिरी खबर कोरोना अपडेट से। देश में पिछले 24 घंटों में 22,890 नए मामले, 338 मरीजों की मौत। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर 23वें दिन भी जारी है। समिति गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बारे में किसान संगठन वरिष्ठ वकीलों से सलाह ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई और सुझाव निर्देशों को लेकर किसान नेताओं ने अपनी शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी कमेंट करने से इनकार करते हुए बस इतना ही कहा कि वे इस मसले को लेकर कोर्ट नहीं गए हैं और जो कुछ कोर्ट ने कहा है वह उस पर वरिष्ठ वकीलों से सलाह करके कुछ कहेंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर सभा के नेता अभिमन्यु ने कहा, हम वरिष्ठ वकीलों कोलिन गोंजाल्विस, दुष्यंत दवे, एचएस फुल्का और प्रशांत भूषण से इस बारे में परामर्श करेंगे कि क्या किया जा सकता है। किसान नेताओं के मुताबिक इन वकीलों ने उन्हें निशुल्क परामर्श देने का आमंत्रण दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों को 2 सप्ताह के भीतर निगम संचालित 9 अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के अक्टूबर माह का बकाया वेतन जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। ये सुनवाई IMA की याचिका पर की जा रही थी और जहां कोर्ट ने दोनों निगमों और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उन्हें अपना रुख बताने को कहा है। बुधवार की सुनवाई में कोर्ट ने IMA की एक और याचिका मंजूर कर ली, जिसमें एक जनहित याचिका में उसने पक्ष बनाने का अनुरोध किया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित 6 अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों को भत्ते के भुगतान के संबंध में इस याचिका पर सुनवाई हो रही है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब निगम के अधीन काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, शिक्षक या फिर कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए कोर्ट जाना पड़ा हो। हाल के दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे निगम कर्मियों को अपने वेतन के लिए कोर्ट जाना, हड़ताल करना एक रिवायत बन गई है। आज कोविड-19 महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन हजारों पॉजिटिव आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस दौरान विश्व भर में कई वैज्ञानिक कोविड वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। न्यूज क्लिक ने इन्हीं सब मुद्दों पर डॉक्टर सत्यजीत रथ से बातचीत की है, आइए उन्हें सुनते हैं। पहली बात हम ये याद रखें कि तीसरे चरण की जो जांचें हैं, phase 3 ट्रायल्स जो हैं, वो सुरक्षित टीके को लेकर उसकी परिणामकारकता को नापती हैं, एफिकेसी, उसकी एफिकेसी को नापती हैं। तो उसमें जरूर ये मुद्दा भी है, ये सवाल भी है कि 6-8 महीने साल भर तक क्या कोई छुटपुट दुष्परिणाम नजर में आते हैं या नहीं, ये भी सवाल phase 3 ट्रायल में मौजूद है। लेकिन फिर भी phase 3 ट्रायल में आने वाले टीके phase 1 और phase 2 को पार करके आते हैं। तो phase 3 में सारे जो टीके आए हैं, आमतौर पे उनके नतीजे आने में 6 महीने साल भर लग जाए कम से कम। हमने 3-3, 4-4 महीने बाद जो शुरुआती नतीजे आए हैं, जिनके आधार पर पहले हम रेगुलेटरी अप्रूवल और लाइसेंसिंग नहीं करते थे, तो वैसे शुरुआती नतीजे हम देख रहे हैं। उन शुरुआती नतीजों पर यह अनुमान बना रहे हैं कि क्या टीका परिणामकारक है या नहीं, और अगर टीका परिणामकारक दिखाई दे रहा है शुरुआती नतीजों में, तो हम उसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की इजाजत दे रहे हैं। यहां पे हम पेंडेमिक की, वैश्विक महामारी की, महामारी का जो माहौल है उसको देखकर हम थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं, और ये गड़बड़ी एक तरीके से जायज गड़बड़ी है, जायज जल्दबाजी। इसमें क्या खामियां हैं? हैं। दो तरीकों की खामियां हैं। एक तो ये है कि हम पक्का नहीं जानते कि
कितनी फीसदी उसकी परिणाम कारकता है। आप जो कह रहे थे कि 60, 70, 80, 90, हम ये जानते हैं कि भली अच्छी खासी परिणाम कारकता है, लेकिन एग्जैक्टली हाउ मच, इस सवाल का जवाब अभी तक हम ठीक से जान नहीं पाए हैं। और दूसरा, टीके से आने वाली सुरक्षा कितने दिनों तक चलेगी, रहेगी, इस सवाल का अभी तक हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि इन दो सवालों के जो जवाब हैं वो सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीतियां बनाने के लिए जरूरी है। वो व्यक्ति को जरूरी नहीं है उनके उत्तर। व्यक्ति के लिए जो उत्तर जरूरी है कि क्या टीके सुरक्षित हैं, हाँ हैं। क्या टीके परिणामकारक हैं, हाँ हैं। तो व्यक्तियों ने जब टीके उन तक पहुंचे लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये तक कहूं कि वैक्सीन भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम जो बार बार कहते आए हैं पिछले 6-8 महीनों से कि शारीरिक दूरीकरण को हमने जारी रखना चाहिए, किसी ना किसी तरीके का नकाब पहना हमने जारी रखना चाहिए, हाथ धोने की जो बात होती है वो भी जारी रखनी चाहिए, हमने सजग सचेत रहना चाहिए, इन सब मामलों को लेकर, इनके साथ साथ जब टीका आए हम तक तब टीका लेना, ये भी इसी तरीके की सामाजिक जिम्मेदारी हमने माननी चाहिए। ना कि टीका हो गया बस हमने बाकी सब भूल जाना है, इस तरीके की जादुई इलाज की बात नहीं है। टीका वो और एक संसाधन है हमारे लिए, महामारी को, महामारी पर काबू पाने के लिए, महामारी के साथ निपटने के लिए। लेकिन वो लेना, टीका लेना, इसमें व्यक्ति के लिए सुरक्षा की कोई भी हिचकिचाहट की बात नहीं है। ये हमने बार बार कहना चाहिए, क्योंकि जैसे टीके प्रत्यक्ष स्वरूप आने लगे हैं वैसे ये बात बार बार माहौल में फैलने लगी है कि बड़ी जल्दबाजी से आए हैं, क्या सचमुच सुरक्षित है, क्या सचमुच असरदार है। तो इसलिए ये कहना बहुत जरूरी हो गया। दो चीजें कहूंगा मैं। एक तो अपने सामाजिक गुट की ओर से, मतलब के वैज्ञानिकों की ओर से कहूंगा कि 250 अन्वेषक गुट जो हैं टीके बनाने में लगे हुए दुनिया भर में, उनमें से 90% से ज्यादा सार्वजनिक संस्थानों में काम करने वाले गुट हैं। इनमें से कईयों ने महामारी के शुरू होते होते अपने अपने संस्थानों में मुफ्त में निदान के लिए जो RT-PCR टेस्ट्स की जरूरत थी वो शुरू कराई है स्वयंसेवी स्तर पे। और उनमें से आम लोगों ने जो पहले ऐसी कोई बीमारी पर काम नहीं करते, एक सार्वजनिकता की सोच के लिए, जनवादी सोच लेकर इस काम में शिरकत करी हुई है, तो उन्होंने जिन टीकों का निर्माण किया वो टीके अगर सरकारें सरकारी उद्योगों मार्फत बाजार में लेने के लिए क्षमता रखती तो वैज्ञानिकों को खुशी होती। ये भी हमने याद रखना चाहिए। तो जो सुरक्षा की जांच वैज्ञानिकों ने करी हुई है अपने स्तर पर, वो भी एक जनवादी सोच, एक लोगों की भलाई की सोच रख के की हुई है, ये भी याद रखना चाहिए। लेकिन सरकारों की ओर से एक दूसरी बात कहनी चाहिए, और वो ये है कि जब हमने एक पूंजीवादी नजरिए से महामारी का सामना करने की ठानी हुई है सरकारों ने, दुनिया भर की सरकारों ने, तो अगर जायज कीमत पे और सही तरीके से टीके लोगों तक पहुंचाने की बात है
तो जितने अलग अलग टीकों के निर्माता बाजार में आए, जितना टीकों का वैविध्य हो उतना सरकारों के लिए अच्छा है। तो सरकारों पे जिम्मेदारी है कि जहां तक हो सके अलग अलग टीका निर्माताओं को प्रोत्साहन दो, जैसे कि अपने देश में निर्माण हो रहे टीकों को प्रोत्साहन दो एक ओर से, और दूसरी ओर से टीकों के निर्माता जो है उनसे जब आप एग्रीमेंट्स करो तब उन एग्रीमेंट्स को उन निर्माताओं को कोई पेनल्टी क्लॉज वगैरह लेके मजबूर करो कि यूं ही मुनाफे ना बनाए, कम से कम टीकों की सप्लाई जैसी कमिटमेंट की हुई है उसी तरीके से जारी रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शुक्रवार यानी कि 18 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,890 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 338 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 31,087 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में आज 8,535 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 99,79,447 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,44,789 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.40% यानी कुल मरीजों में से अब तक 95,20,827 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3.14% यानी 313,831 रह गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।